अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद, और आज के प्रोग्राम में एक बड़े सहाफ़ी और सियासतदान मुअज़्ज़ज़ सेनेटर ऐवान बाला के रुकन जनाब इरफान सदीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की ख़त अभी भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। 25 तारीख का ये ख़त है, कल मंजर आम पे आया और आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट का एक इजलास हुआ। ये इजलास इंतज़ामी साइड पे था और इंतज़ामी साइड का जो फुल कोर्ट का इजलास है आमतौर पे और कवायद के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इंतज़ामी मामलात के ऊपर बात करता है और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनमें बेहतरी लाने का ये फोरम है। मगर आज के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के उस ख़त का बगौर जायज़ा लिया गया जिस ख़त में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे बशमूल ISI जो है वो अदालती अमूर में मुदाखलत कर रही है, और कुछ ऐसे वाक़यात बयान किए गए थे जो नाकाबले यकीन हद तक घिनौने थे और बड़े ही ख़तरनाक थे। और इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया है ये तो फुल कोर्ट के इस इजलास के इलामिये के साथ ही हम जान जाएंगे। क्या ये सुमोटो की तरफ मामला जाएगा कि तमाम जजेस बतौर अदालत एक फुल कोर्ट के तौर पे इस मामले को टेकअप करेंगे, या फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है अपने असखुद कार्रवाई के अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इसको एक इंफॉर्मेशन समझकर इस पर कार्रवाई करे। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से ऑब्वियसली ये अख्तियार है उनके पास कि वो किसी भी जज के मिसकंडक्ट के ऊपर तहकीकात कर सकती है। इस ख़त के मुताबिक कौन सा ऐसा जज है जिस पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैसे कार्रवाई करेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इरफान सदीकी साहब, आप तो एक सियासतदान हैं, आप कानूनदान नहीं, आप अब अमली तौर पर सहाफ़त में भी नहीं, तो बतौर एक नून लीग के तर्जुमान आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के इस खत की तहरीर को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। मैं मेरा ख्याल है इब्तिदा में ही ये बात वाजे कर दूं, मैंने आज एक स्टेटमेंट भी जारी की थी और वो अपने तौर पे की थी। मैं अभी आपके प्रोग्राम में भी, चूँकि आपने इसका आगाज़ इस बात से किया है, तो मैं बिल्कुल पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर रहा, ना मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। वो ज़िम्मेदारी और लोगों के पास है और वो ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट जो भी उन्हें देना चाहेंगे देंगे या दी होगी। मैं अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। ऐवान बाला का एक रुकन होने के नाते, पाकिस्तान की सोसाइटी का एक रुकन होने के नाते, इन मामलात पे नज़र रखने के नाते, वो ये है कि दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो शिकायात की गई हैं, जो मामलात बयान किए गए हैं, जो सूरत हाल बताई गई है, किसी को हरासा किया गया, किसी जज के अजीज़ को, या किसी के घर से कैमरे निकले हैं और उनकी प्राइवेसी जो है, ये तो वाकई ही बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और इनकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और जिस किसी ने भी ये किया है उनको मंजर आम पे लाना चाहिए, कैफे किरदार पहुँचाना चाहिए। इस पर दो राय हो नहीं सकती। दो राय कहाँ पे हो रही है और राय बटी हुई कहाँ पे है? वो ये है कि एक ऐसा ही वाकया माजी करीब कह लें या माजी बईद कह लें, वो हो चुका है। 2018 में एक जज को निकाला जा चुका है इसी अदालत से, और वो जिस जो पोजीशन आज कियानी साहब की है वही पोजीशन उनकी थी, वो सबसे सीनियर जज थे। तो उन्होंने एक इल्ज़ाम खुलेआम लगाया था, कोई डके छुपे खत वत नहीं लिखा था, उन्होंने तो खुलेआम एक बात कही थी जी, और नाम लिया था, किरदार का नाम भी ले लिया था कि जी इन्होंने मुझे ये मुतालबा मुझसे आके किया है। उसके बाद कहानी जो है वो आपके सामने है, तमाम लोगों के सामने है। मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता रहा कि एक जज जो क़यादत कर रहे हैं इन 6 जजों की, आज वो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने इस इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए क्या किरदार अदा किया, उस मजलूम जज के बारे में कोई हरफ खैर कहा, कोई कलमा खैर कहा, और फिर ये कि उस जज ने कहा था जी कि मुझे कहा गया है कि इन दो अफराद को, नवाज शरीफ को, उसकी बेटी को निकलने नहीं देना जेल से, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जो वाकयात हैं वो ये बताते हैं कि उसके बाद जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं, समातें हुई हैं नवाज शरीफ की,
उन तमाम में कियानी साहब मौजूद रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ के हर केस के अंदर एजाज़ुल अहसन मौजूद थे और इस्लामाबाद में कियानी साहब मौजूद थे, लेकिन कियानी साहब ने किसी एक केस में भी उनको रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने वो 2 साल की मेहनत बचाने के तमाम तकाजे भी पूरे किए। क्या उन्हें उस वक्त ये इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मेरा एक कोलीग, मुझसे सीनियर कोलीग एक बात कह रहा है तो मैं उसका कम से कम साथ दे दूं, उसके साथ खड़े हो जाऊं। मतीउल्लाह जान साहब, मैं चूँकि वो मेरे अजीज़ भी हैं, मेरी फैमिली से हैं, मुझे उनके वाकयात का बहुत इल्म है और आपको भी इल्म है, आप भी उनसे मिलते रहे हैं कि किस मुश्किल से उन्होंने ये 5 साल का वक्त गुजारा है। वो किराए के मकान के अहल भी नहीं रहे तो गांव के एक पुराने घर के अंदर चले गए और वहाँ पनागुजीन हो गए एक तरह से, लेकिन उनके साथी जजों ने सोशल बाइकाट किए रखा, उनके सलाम का जवाब नहीं देते थे, उनकी कॉल का जवाब नहीं देते थे। तो एक बात तो ये है, ये आज अगर जिस बात को वो कह रहे हैं सदीकी साहब माजरत के साथ पढ़ा ना, माजरत कता कलामी की माजरत, मगर ये तो एक आपका सियासी और एक ज़ाती जज्बात का इजहार है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक सेनेटर हैं और सेंटर जो हैं वो जजों की तैनाती के अमल में भी उनका बड़ा अहम किरदार होता है, एक पार्लिमानी कमेटी है। आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं वहाँ पे शायद आपके ये जो ज़ाती तजुर्बात हैं या आपके फैमिली मेंबर के तौर पे जो जस्टिस शौकत सदीकी के साथ हुआ वो ऑब्वियसली वो कोई दुरुस्त नहीं था। तो इस वक्त ये जो ख़त है, आपके ख्याल में ये जो ख़त में इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये शहबाज शरीफ की, PDM की हुकूमत की और आपकी हुक्मरान जमात की एक नाकामी नहीं थी कि आपके दौर में मुबैना तौर पे खुफिया अदारे ये सब कुछ करते रहे हैं, और क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि जो कुछ इन जजों के साथ होता रहा है उसमें आपकी हुकूमत का भी किरदार है और आपकी हुकूमत मुलव्वस थी इसमें? मैंने मतीउल्लाह जान साहब अपनी बात के आगाज में कह दिया है कि इस कजिए के 2 पहलू हैं। आप जिस पहलू का जिक्र कर रहे हैं उससे मुझे इख्तलाफ ही नहीं, जामे तहकीकात होनी चाहिए, मैं कह चुका हूँ, जो जिम्मेदार हैं उनका तय होना चाहिए। लेकिन अभी क्यों हुकूमत के साथ ये PDM की हुकूमत के वक्त के वाकयात हैं, ये मई 2023 की बातें हो रही हैं, खुफिया अदारों पे इल्जामात हैं, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या कर रही थी उस वक्त? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे भी पीछे जाए ना, फिर शहबाज साहब की हुकूमत से क्यों शुरू करते हैं? फिर शुरू करें उस वक्त से जब शौकत अजीज बोला था, वहां से शुरू कर देना, फिर उसमें शाहबाज साहब भी आ जाएंगे, दूसरी हुकूमतें भी आ जाएंगी, PTI की हुकूमत भी आ जाएगी, फिर तख्सीस ना करें कि जी यहाँ से शुरू करें। जहाँ से ये कजिया सबसे पहले सामने आया है, वैसे तो 44 ईयर्स पहले जब कहा गया, एक जज ने कहा जी कि हमें भुट्टो को फांसी देने के हवाले से दबाव था, तो वहाँ से अगर नहीं शुरू कर सकते तो एक जज जो जिंदा है, जिसका फैसला अभी कल परसों आपने दिया है, वहाँ से शुरू कर लेना। वो तो शाहबाज का दौर नहीं था ना, वो किसका दौर था आपको मालूम है अच्छी तरह, वहां से शुरू कर लें, शाहबाज साहब का भी दौर आ जाएगा, आज का भी दौर आ जाएगा। चलें, फिलहाल आप क्या शहबाज शरीफ साहब के दौर की वजाहत दे सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब इन तमाम वाकयात से बेखबर थे और मुबैना तौर पे अगर खुफिया अदारे ये कर रहे थे तो वजीर आजम क्या कर रहा था? मैं ये कहता हूँ कि ये सवालात है ना, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। आप बहुत बाखबर साफी हैं, आपके पास भी जवाब नहीं है, शाहबाज साहब से भी पूछा जाएगा तो शायद उनके पास भी जवाब ना हो। मैं यही कहता हूं कि जब सवाल उठ खड़े हुए हैं और जवाब तलाश करने का एक अमल शुरू हो गया है तो करें जवाब तलाश, फिर एक फोरम बनाएं और शुरू कर दें कि जी शाहबाज को क्यों पता नहीं था, इमरान खान को क्यों पता नहीं था, बाद में आने वाले जो इंटरिम थे उनको क्यों पता नहीं था, निगरान काकड़ साहब को क्यों पता नहीं था, फिर तो सारा क्या तजवीज कर जो जंबील है पूरी क्या तजवीज कर रहे हैं? तो ये कहता हूँ कि आज देखें, आज एक मामला जो चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया है, जिसके इलामिया का आपको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा फोरम कोई नहीं हो सकता। अगर कोई और फोरम भी है तो वो इसी फोरम को तजवीज़ करना चाहिए और हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो हरगिज़ फोरम नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ना वज़ीर आज़म किसी का एहतसाब कर सकता है ना किसी और का, वो जजों के एहतसाब का है। हाँ, अगर सुप्रीम को जुडिशल काउंसिल ये समझती है कि कुछ जजों ने, जब उन पर ज्यादती हो रही थी, जब किसी के घर से कैमरे निकल रहे थे, वो हमारे इल्म में नहीं आए, उन्होंने कैमरे लगाने वालों का मसला अपनी कोर्ट में भी नहीं उठाया, किसी किरदार को तलब भी नहीं किया, अदालत की तौहीन होने दी, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझती है
कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी, तो फिर वो शुरू करें, इन छः के छः को बुलाए कि जनाब ये सब कुछ जब हो रहा था तो आपने क्यों नहीं हमें आगाह किया। अच्छा इरफान सदीकी साहब, क्विकली मैं आपको उनकी जो जी मैं आपको ज़रा यादहानी करा दूं, आपने कहा शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ये मई 2023 का एक हवाला दिया गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं वो आप सब जानते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने एक चंद माह पहले टेरियन वाइट केस में अपनी राय दी कि जो टेरियन वाइट का केस है इमरान खान की मुबैना नाजायज़ बेटी का, वो दरख्वास्त नाकाबिले समात है। और उसके एक महीने बाद मई 2023 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के एक ब्रदर इन लॉ हैं, उनके इस खत के मुताबिक उन्हें अगवा किया गया, 24 घंटे उनको यरगमाल रखा गया, और फिर जब उनको छोड़ा गया तो उन्होंने आके ये इंकशाफ किया कि जिन लोगों ने उन्हें अगवा किया था वो खुफिया अदारे का अपने आप को एहलकार जाहिर कर रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जज साहब की फैमिली का भी पीछा किया गया और उसके बच्चों का भी पीछा किया गया, और आखिर में उनके ब्रादर नस्बति का इंतखाब किया गया अगवा करने के लिए। और फिर उन्हें ये भी कहा कि जब वो यरगमाल थे तो उन्हें बिजली के करंट के झटके लगाए गए, और फिर उनको ज़बरदस्ती एक वीडियो रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया गया जिसमें वो अपने ही ब्रादर नस्बति यानी जस्टिस मोहसिन कियानी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा रहे थे। और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़। और ये बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, 9 महीने पुरानी है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है और आपके मुशीर पंजाब सरकार की फैसिलिटी में बैठ के पीछे पाकिस्तानी झंडा और फिफा की हुकूमत का झंडा लगा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ इसी अरसे में क्या बात कर रहे थे, ये आप पहले खुद सुन लें और फिर आपकी तरफ आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हाई कोर्ट में बैठे हुए जितनी करप्शन मौसूफ के जिम्मे है मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मनीगाला में लेक व्यू हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी खुद एक शेयर होल्डर हैं, और ये इनकी फैमिली की हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें इनके कजन पूरा इस्लामाबाद जानता है वो लैंड ग्रैबिंग के लिए मशहूर हैं। जब उनकी फैमिली इस्लामाबाद में सीडीए को प्रेशराइज करती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करती है, किसी अफसर में यह दम नहीं होता कि वो एक सिटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ खड़ा हो या उसको कानून सिखाए। तो इरफान सदीकी साहब, ये अता तारण है मौजूदा वजीर इत्तला'आत व नशरियात, 9 महीने पहले पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस जज के मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसके ऊपर रेफरेंस भी दायर किया गया है, और सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो उनकी इल्ज़ामात क्या हैं, उनको ये नहीं पता कि उस जज के ब्रादर नस्बती के साथ क्या क्या हुआ। तो आपकी हुकूमत तो एक्टिवली मुलव्वस थी जजों को साथ जो भी वाकयात हुए हैं उसके अंदर। देखिए, मैं तो इस तरह की जो सियासी बातें होती हैं या सियासी इल्ज़ामात होते हैं या सियासी लेन देन होता है, आपको पता है मैं इसमें कम ही पढ़ता हूँ। मैं आपकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आप तो ज़ाती तौर पे आप जानते हैं आपकी तबीयत। जी जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ जी। जहाँ तक अता तारड़ साहब ने जो इल्ज़ामात आयद किए थे वो मेरा ख्याल है आप 2022 की शायद बात जी है, 2023 की ही बात है, 2023 की बात है, टेरियन वाइट केस के बाद की बात है, जब रेफरेंस दायर हुआ था उस वक्त की बात है। 2023 की कमोबेश एक साल का अरसा गुजर गया है। इसका नोटिस मैं ये समझता हूँ कि अदलिया खुद अपनी कमज़ोरी का जब वो करती है, इर्तकाब करती है, मुजाहरा करती है, तो फिर दूसरों को भी उसकी तरफ लपकने का और बढ़ने का और हमला करने का मौका मिलता है। अतः तारड़ साहब जो ये बातें कह रहे थे और इल्ज़ामात आयद कर रहे थे तो क्यों नहीं तलब किया गया उनको? अदलिया क्यों इतना कमज़ोर होती है? अदलिया ने क्यों नहीं उस दिन उस बंदे को पकड़ लिया कि जी इसने मेरे घर में कैमरे निकले हैं, अगले दिन अदालत लग जाए जी बुलाओ उसको, क्या किसने कैमरे लगाए? चुप रहे हैं। ये जो वाकया आप सुना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक हुक्मरान जमात का, सदीकी साहब आप कह रहे हैं कि हुक्मरान जमात का एक मुशीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सरकारी तौर पर और एक जज पे इल्ज़ामात लगाए, और आप फिर तैश दे रहे हैं, डेयर कर रहे हैं कि जजेस एक्शन लें उसके खिलाफ? ये रवैया होना चाहिए। मैं तैश नहीं दे रहा,
नहीं, रवैया नहीं होना चाहिए और ना जजों का यह रवैया होना चाहिए। हमारे जजों ने इन्हीं मोहसिन कियानी साहब की अदालत में मैं मौजूद था जब नवाज शरीफ की एक दरख्वास्त जमानत की लगी हुई थी और उन्होंने जो कलमात कहे थे वो मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। तो जजों से बदला ले रहे थे अता साहब ना सियासतदानों, तो आपकी जमात बदला ले रही थी जैसे मोहसिन कियानी? मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात तक रहने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रवैये खुद जजों ने तख्लीक किए हैं। जब वो सिसिलियन माफिया कहेंगे, जब वो गॉड फादर कहेंगे, जब वो पता नहीं क्या क्या कुछ इल्काबात देंगे, मोहसिन कियानी साहब का पूरा एक वो उस दिन की पूरी समात अखबारों में छपी हुई है, तो फिर दूसरों को आप इश्तियाल दिलाते हैं ना। मैं ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना मैं खुद कभी ऐसा किया है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे तो फिर बात की तफहीम होगी। ठीक है, आप कहते हैं कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी कोशिश है साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एडवोकेट इरफान कादर भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक, सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर ने। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। हमें इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। इरफान कादर साहब, आप तो साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी भी महजब मुल्क में 6 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ये कहें कि उनको और उनके अहले खाना को हरासा किया गया है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उनके रिश्तेदारों पर तशद्दुद किया गया है, करंट लगाया गया है, तो एक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एक महजब माशरे में उसको पहला एक्शन क्या करना चाहिए? अटॉर्नी जनरल को इस तरह के मामलों में बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको ना अदालत की फाइल देनी चाहिए ना किसी एप्लीकेंट की फाइल देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है जुडिशरी और मिलिट्री की वो यही है कि जुडिशरी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट साल साल एक पेज पे थे, फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट्स जो है वो गिराई जाती रही और जुडिशरी जो है उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का साथ देती रही, फिर एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे जुडिशरी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट आ गई। तो ये ऐसे मामलात हैं जो कि रियासत के लेवल पे पोर्ट आउट होने हैं, इसमें अटॉर्नी जनरल को बीच में आने की जरूरत नहीं है। बीच में आने से क्या मुराद? अटॉर्नी जनरल चीफ लॉ ऑफिसर होता है फेडरेशन का, फेडरेशन पे इतने संगीन इल्जाम लग रहे हैं, क्या उसको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? इतने अहम आईनी ओहदे पर बैठ के तमाशा देखता रहेगा वो? बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि अटॉर्नी जनरल को देखना चाहिए कि अगर आपस में इस तरह की कोई लड़ाई छिड़ी हुई है, अगर वो इस तरह का, इसमें अटॉर्नी जनरल की कोई लड़ाई नहीं है, उसका कोई सोच नजरिया या आईनी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, अटॉर्नी जनरल का इससे क्या ताल्लुक है? अगर ये लड़ रहे हैं पाकिस्तान की जो एक हिस्ट्री है हमारी जुडिशरी और मिलिट्री की, उसमें अटॉर्नी जनरल तो उसमें वो तो फिगर इन नहीं करता ना इस तरह से। आप क्या अटॉर्नी जनरल क्या, अटॉर्नी जनरल का रोल तो वो है जो वफाकी हुकूमत उसको कहेगी, उसके अलावा उसका क्या रोल है? मगर कभी आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल आईनी अहदेदार है, वो बिल्कुल गैर जानबदार होता है, उसकी बड़ी पावर्स होती हैं, और फिर आप कहते हैं जो हुकूमत कहती है हम कर देते हैं। इन्हीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के सामने अटॉर्नी जनरल पेश होता है, और जब ये पता चले कि इन जजों के रिश्तेदारों को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया जाता है, जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो क्या अटॉर्नी जनरल की अपनी इज्जत और वकार में कुछ उसको महसूस नहीं होता, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं फील होती कि ये म्यूटिलेट किया जा रहा है अदालती निज़ाम को? नहीं, अटॉर्नी जनरल ऐसे ही जजों की बात मान जाएगा? अटॉर्नी जनरल को चाहिए कि अगर उसने करना दिया तो वो दोनों साइडों से मामले को वेरीफाई करे, या गवर्नमेंट वेरीफाई करे, या जजेस वेरीफाई करके दे, या स्पेसिफिक नाम बताएं जिन लोगों ने इस तरह किया, और उसके लिए अगर कोई किसी ने इस तरह की चीज की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है वहां पर, अटॉर्नी जनरल का क्या रोल है? तो अटॉर्नी जनरल का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ मुकदमे लड़ने के लिए होता है, या अदलिया के वकार को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल उसका तहफ्फुज़ करना भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है? देखा था अटॉर्नी जनरल, मैंने बुध सरकार को देखा था जहाँ पे ये इन्होंने अपना वकार बनाने की कोशिश की थी, किसी का कोई वकार नहीं है, वकार डिग्निटी जो है वो मैन की है, इंसान की है, और अदलिया जो है ये तमाम पब्लिक सर्वेंट है, तो दूसरे पब्लिक सर्वेंट की तरह ये वकार, ये जो मोनार्की की बातें हैं जैसे कि ओलिगार्की या मोनार्की, ये वो नहीं है। तो चीजों ने इनको अखबार से खास सब उठा दिया, हम सब जो है जमीनी मखलूक है, आप मैं अदलिया आप पार्लियामेंट सब जितने भी लोग इस पे हैं, हाँ हाकमियत अल्लाह ताला की है, उसके बाद पार्लियामेंट की सॉफ्ट सबसे ऊपर। तो आप ये कह रहे हैं कि पनामा केसों में भी जो कुछ हुआ वो भी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पे थी, और आज भी जो हो रहा है वो एक पेज पे है, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं?
मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, बल्कि अगर आप पनामा केस को देखें तो पनामा केस में एट वन टाइम तो शायद एक पेज पे थे, लेकिन बाद में जब ओवरटर्न हुआ पनामा केस तो तब तो जनरल बाजवा भी वहां थे, जनरल फैज मीर भी वहां पे थे, और उनके होते हुए ये मामला नहीं तो उनकी मर्जी से ही हुआ ना, यू टर्न लिया उन्होंने भी नहीं, ये आप उनसे पूछना उन्होंने यू टर्न लिया, हमें क्या पता। हमारे सामने तो अदलिया ने एक फैसला दिया जो हमने समझा कि बिल्कुल सही है और वो सही था। इरफान कादर साहब आप भी जज रहे हैं कुछ अरसे के लिए सही, मगर अगर खुदा न खास्ता आपके किसी करीबी के साथ यही कुछ होता जो कि अभी इस खत के मुताबिक कुछ जजों के रिश्तेदारों के साथ हुआ है, तो आपका क्या रद्द अमल होता? मुझे कोई फर्क ना पड़ता कि मेरे करीबी से या किसी और से हुआ, मैं इम्पार्शियली देखता कि उसको कहता कि भाई नाम बताओ उन लोगों के, स्पेसिफिक नाम बताए ना कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया, और क्या उनके खिलाफ जजेस पे एक्शन नहीं ले सकते? ये तो रोज बड़े बड़े सरकारी अफसरों को खड़ा करके लाइन में तो बुला लेते हैं, अदालतों में प्राइम मिनिस्टर को भी बुला लेते हैं, तो ये जो कहा जा रहा है कि वो आईएसआई का कोई बंदा है या वो इस तरह से उसको ले गया, उनको नहीं बुला सकते थे अदालत? नहीं तो जिन्होंने नाम लिया था जस्टिस शौकत सदीकी ने उनको तो बरतरफ करवा दिया। नहीं, इन्होंने अब जो मौजूदा जो है ये जो छह जजेस है इन्होंने क्या कोई नाम दिया स्पेसिफिक? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि जिनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया है कि वो अगवाकारों के नाम बताएं, वो शनाख्ती कार्ड दे के तो नहीं नाम लेते ना? ये आईनी अहदेदारों के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी क्या सोचेगा कि आप लोग जिन आईनी अहदों पे बैठते हैं उनकी ये वक्त है कि उनको कोई भी पिस्तौल दिखा के फैसले करवा देते? नहीं, वो अपना ग्रीवेंस है वो चीफ जस्टिस के पास लेके जाते हैं, अगर चीफ जस्टिस ने उनकी नहीं मानी तो उनको आपस में अपने घर को ठीक करना है ना, फिर अगर आपस की उनकी रेशा दुआनी है तो उनको ठीक करें वो। जी इरफान सदीकी साहब, बज़ाहिर तो ये जो खत है इससे तो पनामा केस में जो नून लीग का बयानिया है वो दुरुस्त साबित होता है, तो आप नहीं समझते कि इस खत से नून लीग की पोजीशन भी विंडिकेट होती है कि हमारे यहाँ अदालती फैसले जो हैं वो ऐसे ही होते रहे हैं पिछले कई साल से, जैसे कि इरफान कादर साहब ने भी इशारा दिया? ऐसे है मतीउल्लाह कि एक तो बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज़ में, मुझे ना आपकी आवाज़ पूरी तरह सुनाई दे रही है और जो कुछ ऑनरेबल इरफान कादर साहब ने कहा मैं तो बहुत मुस्तफ़ीद होना चाहता था उनकी कानूनी राय से और तजर्बे से, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सुन पाया उनको जी। तो जहाँ तक विंडिकेशन का ताल्लुक है, बिलाशुबा हुई है विंडिकेशन, लेकिन मामला ये है मुझे जो हैरत होती है कि जिस वक्त एक शख्स ने आवाज़ उठाई थी दैट वाज द टाइम कि आपको पता नहीं था कि इस मुल्क में इस तरह हो रहा है, तो आप अगर इस ईवल के ख़िलाफ़ हैं, अगर आप इसे एक बुराई समझते हैं और अगर आप इसका रास्ता रोकने के लिए मुखलिस थे, तो जिस शख्स ने भी अपनी कुर्बानी दी या अपना परचम लेके निकला, अपना झंडा उठा के निकला, उसके पीछे खड़े हो जाएं। आप पीछे खड़े होने के बजाय उसकी टांग खींचते रहे, उसके रुस्वा करते रहे, उसका बायकॉट करते रहे। इसका मतलब है कि आप अपने सियासी मुखालफीन और आप भी जजों के साथ वही कर रहे हैं कैमरा आपके लगाने वाले को बुलाते हैं ना, आप टॉर्चर करने वाले को इरफान कादर साहब कहते हैं जी ले ना नाम बताएं वो, तो क्यों नहीं बताते? वो अगले दिन कह देते जी मेरे भाई के साथ ये हो रहा है, ये क्या जुल्म है, क्यों चुप करके बैठे रहे? ये ट्रेड यूनियन वाला जो किरदार है कि एक दिन पांच छह इकट्ठे होके खत लिख देंगे और खास मौसम में। इरफान सदीकी साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। छः जजों के खत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन एडवोकेट गौहर अली खान का बयान भी सामने आया है, वो क्या कह रहे हैं इस सारे वाक़े के हवाले से, आइए आपको सुनाते हैं। लोअर जुडिशरी थ्रू आउट मुतासर होती रही है उस प्रेशर से, उस इंटरफेरेंस से, यही वो वर्शन है जो हम आपको बताते रहे हैं कि पाँच दिनों में तीन कन्विक्शनें करवाई गई थी, 14-14 घंटे हेयरिंग हो चुकी थी। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं, एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है, ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल इनवाइड है। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में हैं अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल इनवाइड डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो।
जी आपने सुना तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन गौहर अली खान को, तो अटर्नी जनरल साबिक अटर्नी जनरल के तौर पे इरफान कादर साहब आप क्या कहेंगे कि जो उन्होंने कहा कि ये तमाम फैसले जो सुनाए गए पीटीआई के सरबराह इमरान खान और रहनुमाओं को वो दबाव में सुनाए गए, इस खत से तो यही लगता है, आप क्या कहेंगे? हाँ, अब ये जो दबाव की बात है ना, जब मियां नवाज शरीफ और जब मरियम नवाज के केसेस हो रहे थे तो वहां पे जजों ने भी कह दिया था कि उन पे दबाव है। आपको अरशद मलिक, जज अरशद मलिक की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, वीडियो जो थी और फिर उस वीडियो को किस तरीके से कोशिश की गई कि उसको बिल्कुल साइड ट्रैक कर दिया जाए, भर कैफ वो चीज जो है मंजरे आम पे आ गई, हर सबके सामने आ गई और इवेंचुअली वो एक्विट हो गया। तो यहाँ पे भी अगर बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ है कि जजेस दबाव का शिकार थे तो उसके बारे में उनको डायरेक्ट एविडेंस इमरान खान के केस की निस्बत से लाना चाहिए, उनको भी वीडियो लानी चाहिए, अब जो भी है कोई एविडेंस लेके आए जिससे पता चले कि जजेस जो थे वो दबाव का शिकार थे। नहीं, अगर जो छह मौजूद जजेस हैं इरफान कादर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका एक सारी बात है हाई कोर्ट के जजेस जो हैं अगर जब वो कोई बात कहते हैं और लिख कर करते हैं तो उसकी वैल्यू तो मैं समझता हूँ किसी भी सियासतदान या किसी भी वकील की बात से तो ज्यादा होती है। नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं होती, वकील की बात भी उतनी अहम है जितनी जजों की है, और अगर जजों ने ये बात की है तो उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है उस पर भी इंक्वायरी करें और जजेस को बुलाएं और जजेस को मौका दें कि अपना मौकफ पेश करें, क्योंकि जजेस जो है अपने केस में खुद ही तो इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकते। तो आपके ख्याल में जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से इस खत में इंकशाफात किए गए हैं कि उन्होंने कोई ठोस और बर्वक कार्रवाई नहीं की, क्या ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है? देखें, हमने उनका मौकफ तो सुना ही नहीं है, तो बगैर जस्टिस आमिर फारूक का मौकफ सुने हुए हम कहें कि नहीं वो गलत कह रहे हैं और इनकी बात मान ले, मैं तो कहता हूँ दोनों को सुना जाए, दोनों का मौकफ सुना जाए और उसके बाद कोई लाया अमल इख्तियार किया जाए। ये मौकफ कौन सुनेगा? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस पे एक तो ये है कि जो चीफ जस्टिसेस हैं और जो मुल्क के जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो मिलके आपस में बैठ के इस चीज को देखें, और अगर जरूरत पड़े तो उनको चाहिए कि वो जो और भी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उनके साथ रबते में आए और ये फैसला करें हमेशा के लिए कि अदलिया मुदाखलत नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव के मामलों में और एस्टेब्लिशमेंट के मामलों में, और एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव मुदाखलत नहीं करेंगे अदलिया के मामलों में, इसके बारे में इन सबको बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए। और इस तरह की बातें जो है ये मंजरे आम पे आती हैं तो सारे मुल्क की जागरूकता होती है, ऑब्वियसली ये इंटरफियरेंस किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मिल बैठ के बैठे सर जोड़ के बैठे जो जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत है जो आईनी हुकूमत है वो अपने मतायत इदारों के साथ एक मिसाके जमहूरियत दस्तखत कर ले? नहीं, देखें अदलिया चूंकि खुद फरीक बन गई है इन मामलात में तो ये अदलिया तो एडजुडिकेट नहीं कर सकती। फरीक कैसे बन गई है? पाकिस्तान की तरफ देखें। नहीं, ये फरीक कैसे बन गई? कौन फरीक कैसे बन गई? नहीं, अदलिया कैसे फरीक बन गई? अदलिया फरीक बन गई ना जब उन वो छह जजेस ने एक बात की तो अभी तो उनके अपने सीनियर जजेस ने भी उस पर कोई अमल नहीं किया, उस पर कोई मजीद पेशरफ्त नहीं की, तो अगर उन्होंने पेशरफ्त नहीं की तो मैं और आप कौन होते हैं कि एकदम उनकी बात को मिनोन मान के तो कहें बस वाकई ऐसा हुआ है, हमें थोड़ा इंतजार करना। हम तो आपकी राय का भी एहतराम करते हैं, वो तो फिर हाईकोर्ट के जजेस हैं और उन्होंने दस्तखत किए हैं, तहरीर दी है। हाईकोर्ट के जजेस हैं तो कोई सुरखाब का पर तो नहीं लगा हुआ, जितनी मतीउल्लाह जान की राय अहम है उतनी हाईकोर्ट के जज की भी है। उनके एक एक जज के फैसले की भी राय होती है, फैसले की भी है ना। सुन ले, अगर मतीउल्लाह जान के साथ कोई ज्यादती करता है जैसे आपके साथ एक दफा हुई थी, आपको जिस तरह से अगवा किया गया था, अगर किसी जज को भी किया जाएगा तो मैं भी उस जज के लिए सिंपथेटिक होऊंगा। लेकिन ये पहला वाकया तो नहीं है। मतीउल्लाह जान का अगवा जो है उसकी अहमियत कोई नहीं है, और अगर जज के साथ अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी किया तो उसकी बहुत अहमियत है, तो सबकी अहमियत बराबर है। अच्छा, मैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये तारीख में पहली बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट, और फिलहाल सिर्फ इस्लामाबाद हाईकोर्ट है और ये इसको आखिरी खत भी हमें नहीं समझना चाहिए, तो आपके ख्याल में एक वज़ीर आज़म इस मुल्क का जो है क्या उसका ये बनता नहीं है, उसका फ़र्ज नहीं है कि इस हवाले से वो अवाम को ये बताए कि अदलिया में क्या हो रहा है और एक वज़ीर आज़म का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि एक वज़ीर आज़म बरतानिया का भी था जिसने दूसरी जंग अज़ीम में एक ही सवाल किया था अपने मुशीर से, क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। मैं अब शहबाज़ शरीफ का जो मुवाज़ना है वो विंस्टन चर्चिल से तो नहीं करूँगा,
मगर ये तवक्को तो की जा सकती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है इतने अहम तरीन मामले के ऊपर अपनी कोई तो राय दें, इतना कुछ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तकरीरें करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि आप गलत आदमी से रजू कर रहे हैं। ये सवाल अदलिया से पूछें कि क्या अदलिया वाकई इंसाफ दे रही है। जो चर्चिल ने पूछा था ना, वो अपने जजों से पूछिए। आपके केस का अभी हवाला दिया इरफान कादर साहब ने, आज तक इस अदलिया ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, जिसमें हाई कोर्ट भी शामिल है, आपको बताया है कि आपके साथ क्या हुआ था और किसने किया था? जब इनके अपने अंदर मसाइल पैदा हुए हैं या किसी के भाई को या किसी के बरादरी नस्बती को उठाया गया है, बकौल उनके, मुझे नहीं मालूम उठाया गया, या किसी के घर से कैमरा पकड़ा गया है, तो इन्हें पता चला है कि जी बुनियादी इंसानी हकूक भी होते हैं, तो इन्हें अंदाज़ा हुआ है। तो इनसे पहले पूछे, शहबाज शरीफ तक ना जाएं कि भाई जिस दिन ये कैमरा पकड़ा गया आपको ये इख्तियार था ना, आप अगले दिन आके बैठते कुर्सी पे और कहते जी कि ये मेरे कमरे से ये चीज़ें निकली हैं और इसका सुराग लगाया जाए वरना मैं इंसाफ नहीं करूँगा, पहले इसका पता चलाया जाए। आप तो पी गए, आपके बरादरी निस्बती के साथ कुछ हुआ, आप पी गए। आज आपने एक, मैं पहले लफ्ज इस्तेमाल कर चुका हूँ कि ट्रेड यूनियन के अंदाज में इकट्ठे होके एक मामला जो है वो उठा के फेंक दिया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का क्या ताल्लुक है इस इशू से? वो तो आपका एहतसाब करने के लिए बैठी है, वो वजीर आजम का एहतसाब करेगी या किसी और इदारे का एहतसाब करेगी? ये अजीब किस्म का एक तमाशा इन्होंने किया जी। इरफान सदीकी साहब, मैं आपने कहा ट्रेड यूनियन, आपने कहा ये एक तमाशा बना लिया है। आप माशाल्लाह से सेनेटर हैं, वाने बाला के रुकन हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं और आप दानिश्वरों में आपका शुमार होता है। एक आम आदमी का अदालतों के हवाले से ऐसे जज्बात तो हो सकते हैं, मगर आप अगर ये तवक्को कर रहे हैं कि लोगों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए इन जजों के हवाले से, और तो फिर आप हुकुमरान जमात, ये आप हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी तक एक जुमला क्यों नहीं बोला इतने बड़े वाक़े पे। मैं तवक्को नहीं कर रहा कि लोग इस तरह बोलेंगे, लोग बोल रहे हैं, पता नहीं आप सुन क्यों नहीं रहे हैं। नहीं, लोग तो बोलते हैं। आप जरा सर्वे कराइए किसी से, तो फिर मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लें, जरा घर से निकल के सर्वे कराइए कि कितने लोगों को अपनी अदालतों पे एतमाद है। सर्वे तो फिर 8 फरवरी को हो गया ना, इससे बड़ा क्या सर्वे होगा? और जो उसके बाद सवाल उठ रहे हैं उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। सर्वे तो फिर हो गया। देखिए, इन बातों पे सर्वे तो नहीं हो सकता ना, इन बातों पे सर्वे तो नहीं होगा कि जो जजों के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। मेरी बात अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे बात करने दें, अगर आपने अपनी बात करनी है तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप बताएं। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आप मामले को उलझा रहे हैं। इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं खलते मुबहस, कि बहस कहीं चल रही है और उठा के कहीं और ले जाओ। आप इस बहस को उठा के चले गए जी कि 8 फरवरी को ये फैसला हो गया, उस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे किसी दिन, ऐसी क्या जल्दी है। आज इसी पे रहने दें कि इन जज साहिबान ने जो इश्यूज उठाए हैं, इनमें कोई लापता अफराद का मसला उठाया है, कोई ये उठाया जी कि मुतीउल्लाह जान जैसे सहाफी को क्यों उठा लिया गया था, उसकी बुनियादी हकूक क्यों सलब किए गए, आप तहकीक करें। इरफान सिद्दीकी को आधी रात को क्यों हथकड़ी लगा, मेरी गुजारिश सुन लेना आप जी सर। इन्होंने कोई अवामी मफाद का मसला उठाया है 6 जजों ने? किसी ने कहा जी मेरा कैमरा लगा दिया, किसी ने कहा जी कि खत्म हो गया है। माज़रत चाहता हूँ, अवामी मफाद का मसला बनना ही नहीं चाहिए, लापता अफराद होने ही नहीं चाहिए। ज़बात हुकूमत पे आते हैं, हुकूमत के तफ्तीशी इदारों की जो नाअहली है उसकी जिम्मेदारी यकीनन फिर जजों को भी उठानी पड़ती है। ये मामला हुकूमत और अदलिया साथ साथ चलते हैं, उनकी नाकामी और कामयाबी भी साझी होती हैं। आज जो कुछ जजों के साथ हो रहा है वो यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है, अगर हम इसको दुरुस्त तौर पर समझ सकें। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।